Jones, our top priority is to find that bomb. When you do, secure the area until I arrive. I'll take responsibility for defusing the device. You will? David, you're immensely practical, but it takes more than a field knife in a machine shop 101. A girl doesn't sweat through 3 years of electronics and nuclear physics for nothing. Hey, fine. If you see X... Don't worry. I just need one clean shot. I've access to the security records. Here's how Ak got in here. She waited until the weekend staff changed, then her guards came in disguised as support staff. They took control of the security and ventilation system, either locking out or gassing any opposition. I'm deactivating X's security access, but it'll take time. Anya, anything else active? Jesus. Sorry, David. Security guns are currently active. They'll be down soon. Be careful. Her men could be anywhere. Remember, find the bomb, secure the area until I arrive. Kill Ek if you see her. हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोजेक्ट IGI। एक्चुअली में ये लास्ट एपिसोड होने वाली है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसमें विलन, जो हमारा सबसे बड़ा विलन है, उसे मार देंगे। और वन ऑफ द इजीएस्ट मिशन है गाइज ये। वैसे पहले बहुत ज़्यादा डरावना लगता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा मेडिक पैक दिया हुआ होता है यार। पहले तो ये भी ख़त्म हो जाता था, मुझे समझ नहीं आता था कितने अनाड़ी हुआ करते थे हम पहले, लेकिन आज भाई कितना ईजिली हो जाएगा। जितनी जान जाती है कोई इशू नहीं है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मेडिक है अपने पास और बाद में भी हमारे काम आ जाएगा यहाँ पर। तो फिलहाल जस्ट यहाँ पर ये दो बंदे हुआ करते थे, इन्हें हमें आराम से मारना होगा भाई। काफ़ी डैमेज दे दिया यार। फिलहाल यहाँ पर ये दोनों मारे गए। ऊपर जाना है हमें कंप्यूटर पर, यहाँ पर शायद डोर को ओपन करना है आई थिंक। फिर उसके बाद टैंक वगैरह निकल कर आएगा, जिसे हमें मारना होगा, और एक वगैरह भी हमें यहाँ पर देख लेंगी। और फिर फर्दर मिशन यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड में चला जाएगा। इस मिशन में जस्ट दो ही ऑब्जेक्टिव हैं, बॉम्ब को ढूंढना है और उसके बाद एक को कत्ल कर देना है। जस्ट देखते सात गोली एक ही शूट में। ओके, तो भाई यहाँ पर ये मर गया। यहाँ पर ओ भाई यार, ये मुझे लगा अंदर होगा। खैर कोई बात नहीं, शुरुआत में ही अच्छा खासा हम लोगों को यहाँ पर खातिरदारी हो गई है। अभी मेडिक यूज़ नहीं करेंगे, मेडिक हम बहुत देर में यूज़ करेंगे। ये है एक और शॉर्टेस्ट तरीका, वैसे तुम लोगों को इससे भी पता होगा, पता नहीं कहाँ से देख लिया भाई उसने। फिलहाल यहाँ पर दो बंदे हैं, ये गया। ओके, दूसरा ये वाला गया। यहाँ पर हम लोगों को डोर शायद ओपन करना है, जिससे कि एक वगैरह जितने भी सारे बंदे हैं वो बाहर आ जाएंगे एनिमी के, और हम उन्हें आराम से उड़ा पाएंगे। जस्ट यहाँ AK-47 भाई, हम लोगों को ऑटो पे सेट करके चलानी है। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा डैमेज आ गया, लेकिन कोई इशू नहीं है, हम इसी डैमेज के साथ भाई मिशन को निकाल लेंगे। जस्ट जैक हैमर तक हमें पहुंचना है, उसके बाद मिशन में आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। मिशन मुश्किल है ही नहीं यहाँ पर, तो जस्ट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मिशन भी नहीं था ये, कभी कभी लगा करता था। अभी फ़िलहाल यहाँ पर ये वाली सीरीज़ को एंड करना है हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों को नई सीरीज़ अपने चैनल पर लॉन्च करनी है। तुम लोग बताना भाई, मैंने यहाँ पर एक पोस्ट डाली थोड़ी देर पहले कि तुम लोगों को यहाँ पर क्रिकेट 19 पसंद है, क्रिकेट 24 पसंद है, या फिर द नॉस्टैल्जिक वन क्रिकेट 2007। वैसे बहुत ज़्यादा खेला यार, क्रिकेट 07 बहुत खेला है, लेकिन क्रिकेट 2007 की बात अपनी थी। क्रिकेट 24 जस्ट अभी रिलीज़ हुआ और बहुत भाई औसम है। तुम लोग जो बोलोगे, जिसके मतलब 24 आवर्स तक मैं वेट करूँगा, मतलब अगर जिसके सबसे ज़्यादा यहाँ पर भाई वो हुए ना, मतलब पॉइंट्स वोट, मैं उसी को यहाँ पर मतलब गेम प्ले का रिलीज़ करूँ। भाई मेरी कितनी जान चली गई यार, मैं क्या कर रहा हूँ, कितना अनाड़ी तरीके से खेल रहा हूँ मैं। इसको इस वक्त गोली नहीं लग सकती। हम लोग बचपन में बहुत कोशिश करते थे, फीलिंग बॉम्ब लगाते थे, इस वक्त ये नहीं मर सकती। हमें एक को उसी वक्त ही मारना होगा। अब जस्ट हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जॉन विक स्टाइल में आ जाएंगे और सबको कुछ इस तरह मारते हुए चलेंगे, जस्ट रुकेंगे नहीं, उड़ाते हुए हमें भागना होगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर एक बंदा है, कम ऑन मर जाओ, ये भी गया आराम से। अब जस्ट स्पीड से हमें आगे बढ़ना है, जैक हैमर के हम बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। फिलहाल भाई तुम लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा गोलियां हम उठा सकते हैं। अच्छा, यहाँ नहीं होती, जैक हैमर आगे की साइड पे होती है। यहाँ पर भी भाई दुश्मन ही दुश्मन है हर तरफ, इधर भी नहीं है यार। कहाँ गई जैक हैमर भाई, आगे? अच्छा आगे आगे आगे, मैं पता नहीं क्यों भूल गया यार, मैं दरअसल फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई प्रैक्टिस करके नहीं आया इस मिशन की। ओके, ये फ्लैश है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, बिल्कुल बेकार है यहाँ पर ये सिर्फ कॉल ऑफ ड्यूटी में अच्छा होता है, बाकी और किसी गेम प्ले में अच्छा नहीं होता। ओके, तो यार इतनी ज़्यादा गने हैं, मैं खुद टेंशन में हूँ, मैं कैसे क्या करूँ। ओके, तो सामने एक और है यहाँ पर, ये भी गया। मिशन यहाँ पर काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तक, हम बड़ा ही गंदा खेल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं।
ओके तो भाई यार शायद सेंट्री गन्स एक्टिव हो गई हैं, हमारे लिए टेंशन नहीं। हमारे यहाँ पर कंप्यूटर पे हमें थोड़ा बहुत कुछ टाइपिंग वाइपिंग करनी है एंड दैट्स ऑल, हम सेंट्री गन्स को ऑफ कर देंगे। सेंट्री गन्स के ऑफ करने के बाद हम सेंट्री गन्स को अपनी टीम में ले लेंगे। अभी जस्ट यहाँ पर हमें थोड़ा सा अपना पेट्रोल की टंकी भरने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर हम लोगों ने चौड़े होकर आगे गए जैक हैमर के सहारे पर रहे ना, तो ऐसा ना हो यार किसी की दो चार गोलियां लग गई ना काम हो जाएगा, फिर शुरुआत से हमें दोबारा मिशन करना पड़ेगा। ये मिशन है भी काफ़ी लंबा, अप्रॉक्स 14 मिनट का मिशन है भाई, ये बहुत ज़्यादा लंबा, वन ऑफ द लंबेस्ट मिशन, बहुत ही लंबा मिशन है भाई। आई थिंक IGI 2 में हम लोगों को इतना लंबा मिशन देखने को नहीं मिलता, लेकिन IGI 2 में इतने लंबे मिशन हो जाते हैं। वो इस वजह से क्योंकि IGI 2 में सबको स्टील तरीके से मिशन करने का बड़ा शौक होता है, बड़ी खामोशी से मिशन करेंगे, छुप के मिशन करेंगे, ये सबको करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है और कीड़ा चढ़ा हुआ होता है सबको एक्चुअली में। तो जस्ट अभी यहाँ पर मुझे गने नहीं समझ आ रही यार, मैं कौन सा है ये, शुक्र सही वाली गन आ गई। अब जस्ट हम यहाँ ये लोग यहाँ पर तबाही मचाते हुए जाएंगे। सामने एक बंदा है ऊपर पर और आगे भी काफ़ी ज़्यादा बंदे, अभी तो बंदे बहुत हैं, रुकेंगे नहीं ये, एक की पूरी हम लोग फोर्स यहाँ पर ख़त्म करके जाएंगे। जस्ट थोड़ा सा और आगे जाना है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है समझ लो ऐसा मिशन की। बहुत ही रिच स्टोरी लाइन, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ करता था इस गेम प्ले का, यहाँ पर काफ़ी मज़ा आता था बचपन में, डर ऐसा खौफ आने लगता था बिल्कुल लास्ट पे खड़े में, भाई बहन साथ में लगे में यार ये मिशन जल्द से जल्द निकल जाए, लेकिन एंड में आके आप मर गए और तबाहो बर्बाद हो गया सब। ओके तो वो गोली चलाते रहेंगे, आपको लगेगी नहीं, जस्ट ऐसे मारनी है, एक ऐसे मारनी है और सेंट्री गन्स को अपनी टीम में कर लेना है पैसे भर के, मतलब यार यहाँ पर हम लोग को हैकिंग वगैरह करते हैं ऐसे। ये आ गई सेंट्री गन्स हमारी टीम में, अब सेंट्री गन्स मारेंगे उनके बंदों को, हमें जस्ट यहाँ पर क्या करना है, तफरी, कुछ भी नहीं करना। ओके तो जस्ट वो मरते जाएंगे कीड़े मकौड़ों की तरह और हमें यहाँ पर निकलते हुए सिंपल सिंपल आगे बढ़ जाना है। आगे एक रूम है जो काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री से भरा हुआ है भाई एक की, तो वहाँ पर हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा, अपने साथ देख के चलना होगा हमें ऐसे। तो यहाँ एक बंदा, पीछे एक और बंदा, ये भी गया यहाँ पर, नहीं यहाँ यहाँ जाना होता, यहाँ जाना था, हाँ अब आएगा वो मिलिट्री हाउस, एक मिनट यार यही, हाँ बिल्कुल अंधाधुन फायर करते हुए आगे जाएंगे। अब हमें निकालना है ग्रेनेड, ग्रेनेड मारेंगे कुछ यूँ। ओके तो अब हमें निकालनी है M16A2। ओके तो वो वाली गन कहाँ है यार, एक तो गन सर्च करने में मैं थक जाऊंगा यार। अच्छा यार सारे बंदे मर गए यार, मैंने फालतू में एक अपना रॉकेट ज़ाया किया यहाँ पर। ये आ गई डबल वाली उजी, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी फालतू में, अब हमें मज़ीद सर्च करने में अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर एक नहाने का घर है और यहाँ पर कुछ सीन ये चल रहा है, एकदम से मुड़ गया भाई मैं, डर गया। अच्छा भाई ये क्या करने आ रहा है भाई यार। ओके तो कैमराज यहाँ पर लगे मैं काफ़ी सारे, लेकिन ये कैमरा हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। कि भाई मुझे गन समझ नहीं आ रही यार, गने बहुत ज़्यादा हो गई हैं, थोड़ा संभल के चलना होगा। एक है शायद आगे, हाँ एक है, हमें वो वाली गन निकालनी पड़ेगी, एक मिनट, ये वाली नहीं, M16, हाँ ये सही है। बस हमने बॉम ऐसे बिल्कुल कुछ भी नहीं होता भाई उसे, वो फिर भी ज़िंदा रह जाती है। जस्ट यहाँ पर हमें वेट करना है क्योंकि अभी पीछे से मिलिट्री आ रही है भागती हुई हमें पकड़ने के लिए, हमें जस्ट यहाँ बॉम वगैरह मार के अपने आप को काफ़ी देर तक सर्वाइव करना है, क्योंकि हम गन वन से लड़ने नहीं वाले गोलियों से, क्योंकि भाई जान चली गई तो मसला हो जाएगा। अभी भी बहुत मेडिक है, आगे भी एक खुफिया इलाका है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेडिक मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा हो जाता है हमारे लिए। फिलहाल जस्ट यहाँ पर हमें एलिवेटर के आने का वेट करना है, एलिवेटर जल्दी से जल्दी आ जाए, कम ऑन यार, एक बंदा और आना बाकी है, दो बंदा, जल्दी आ जाओ, जल्दी 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 मर जाओ बस, गुड एलिवेटर भी आ गया, एलिवेटर बस इंतज़ार कर रहा होता है, दूसरे वाले दो बंदे आए मैं नीचे आऊँ। IGI 2 में जो सीन है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप ना गन को मतलब फेंक भी सकते हो, और वैसे भी हमें वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही गन उठाने की इजाज़त होती है। ओके तो ये बम भी हम लोगों ने यहाँ पर कैमराज वगैरह को भी उड़ा देना है, और बस आगे यहाँ पर क्या रूम होता है मैं भूल गया हूँ यार, रास्ता मुझे याद है। अच्छा यहाँ पर क्या, हाँ एक कैमरा यहाँ है, एक यहाँ बंदा होगा, हाँ बिल्कुल बंदा है, आगे एक और कैमरा है, तो उस बंदे को हमें कुछ इस तरह नहीं मारना है, हमें कुछ यूं बम की तरह मारना है। ओ भाई कैमरे को देख के सल्यूट मार रहा था भाई, क्या ही बात है। ओके ये ऐसे गया, ये वाला ऐसे जाएगा, बिल्कुल स्पीड से, रुकना नहीं है हमें, टाइम नहीं है हमारे पास। मैंने सोचा था कि यार मैं इसको जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम लोग देख सकते हो अभी भी कितनी ज़्यादा फनकारी में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। कुछ यहाँ पर हमें ऐसे बॉम्ब मारना है, ठीक है, यहाँ पर गन वन उल्टी सीधी मत चलाना, क्योंकि ये दोनों ख़तरनाक बंदे एक साथ अटैक करेंगे। ओके ओ भाई यार गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई,
भाई यार बच गए बिल्कुल बच गए यार। यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सी, यार मेरे पास बम नहीं बचा भाई, बम ख़त्म हो गए यार, रॉकेट वाले बम ख़त्म हो गए। वो हमें जुगाड़ करनी पड़ेगी, कुछ यहाँ से होगी जुगाड़ उसकी। सबसे पहले तो भाई यहाँ पर मेडिक निकाल के मेडिक शुरू कर लेते हैं, देखते हैं बंदा नहीं आ रहा। ओके तो ये है खुफिया रास्ता, वैसे सभी को पता है ये खुफिया रहा नहीं, यहाँ पर है जाकर ये है। और यहाँ पर एक बड़ी हैवी गन है यार, ये वाली गन पता नहीं क्या नाम है इसका, मुझे नाम नहीं पता यहाँ पर फिलहाल। ये है गन बहुत हैवी है लेकिन कोई इसको यूज़ भी नहीं करता यार, क्योंकि एक का जो बंदे होते हैं तो मुझे पता है गन लोड करी भी होती है उन्होंने AK-47, और वो डायरेक्ट चढ़ते हैं भाई एक साथ AK-47 लेके, पूरी 100% हेल्थ भी ख़त्म कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। तो ग्लॉक 17 ये री गन, इसका निकालने को कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है। ये डबल यूज ही गन मैं इस वजह से नहीं लेता क्योंकि इसका रिकॉयल बहुत है। वन ऑफ द बेस्ट गन अगर कोई है तो ये री इस वक्त तुम्हारे सामने, वो है जैक हैमर। ओके सामने बंदा, उसकी टांग पे लगी भाई, ये गया। अच्छा दूसरा वाला भागता आएगा 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 नहीं आएगा, यहीं पे खड़ा वेट करेगा। एक बंदा कहाँ है, ओ भाई सही वक्त पे मैं आगे नहीं आया यार। ओके तो ये गया एक, पता नहीं। अच्छा यहाँ हर फ्लोर पे बंदे हैं यहाँ पर यार, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है अपना, क्योंकि यहाँ पर हमें हर एक एक लैडर को नीचे क्रॉस करके जाना है। और एक बात का ख्याल रहे, पंखे पे भाई गोली नहीं लगनी चाहिए, नीचे वाले पंखे पे गोली लगी तो मिशन एकदम से अबॉर्ट हो जाएगा सामो। भाई ये क्या हो गया यार, क्या ग्राफिक्स मसले आ रहे हैं भाई गेम प्ले में। वैसे काफ़ी हैवी वाला ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है लेकिन फिर भी भाई यहाँ ग्राफिक्स में मसले आ रहे हैं, क्या करें यार, पुराना गेम है इतनी तो कोई बात नहीं है यार, बर्दाश्त तो हम इतना कर ही सकते हैं। जस्ट यहाँ से नीचे उतरेंगे। ओके जोन्स आई थिंक उसके कपड़े पर हवा लग रही है। ओके तो यहाँ पर ये वाला बंदा लास्ट वाला आई थिंक ये भी गया। जस्ट अब हमें एक बारी फिर से नीचे जाना है। अच्छा नीचे यहाँ पर अलग अलग सीन है, नीचे यहाँ पर एक तो वॉर हेड के बंदे होंगे साथ में और दूसरे एग के बंदे होंगे, वहाँ पर फुल जंग चल रही होगी दोनों बंदों की, हमें बीच में फ़ायदा उठाना है ठीक है। हमें यहाँ पर सीन ये करना है कि बीच बच बचा के उनको लड़ने देंगे, उनके जब बंदों की तादाद कम हो जाएगी ना तब हम निकलने की करेंगे। वैसे तो अपने पास जान बहुत है, गन बहुत हैवी वाली है तो टेंशन नहीं लेनी हमें, जस्ट निकलने की करनी है हमें स्पीड से। ओके तो ये है कुछ टनल, अंदर जाते साथ अलार्म बज रहा होगा। मैं सोच रहा हूँ AK-47 से हमें शुरुआत करनी चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल AK-47 से ही हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर। ये M16 भी नहीं, इसको बचा के चलते हैं, ये लास्ट में शायद हमारे काम आए। ओके AK-47, ओ भाई अलार्म बज रहा है यहाँ पर यार, मैं भूल गया था यहाँ अलार्म बजता है। अच्छा अंदर जो बंदे हैं वो हैं लाल टोपी वाले, जो हमको मिशन 1 में देखने को मिलते हैं और मिशन 3 में देखने को मिलते हैं। अंदर देखते साथ भाई ये गोली मारने वाले लोग हैं। ओके ये गया दूसरा वाला, देखो उसको पता था कि मैं घुसने वाला हूँ। यहाँ पे फुल रूम बना हुआ है, ये गेमिंग सेटअप पता नहीं किसका है ये। तो यहाँ हमें PC पे काम कर इसे नीचे करना है न्यूक्लियर बॉम्ब को, ताकि शायद ये डिफ्यूज़ हो पाए आसानी से। भाई एकदम से बंदा पैदा हुआ यहीं कहीं, ये गया, ये आ गए लाल टोपी वाले, ये आपस में झगड़ा करेंगे। देखो उसको मार दिया लाल टोपी वाले ने, यार लाल टोपी वाले हैवी बंदे हैं लेकिन एक के बंदे भी कम नहीं हैं। अच्छा भाई ये आ गया, ओह यार इसे मार नहीं सकते, ये फैंस जो है ना काफ़ी मोटी है, ये लोहे की फैंस काफ़ी खतरनाक है, इसको हम ऐसे मार नहीं पाएंगे। इसे मार के नीचे उतरने की करते हैं, अब ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा हमें टाइम वेस्ट करना नहीं है, कौन कहाँ लड़ रहा है भाई। ओके तो इन्हें लड़ने देते हैं, जस्ट हम निकलने। ओ भाई ओ यार कम ऑन, मेरी तरफ मत देखना, क्या फाड़ दिया ये गया। ओ भाई बहुत हैवी ये, इस रूम है ना ये जादुई रूम है, यहाँ बंदे एक एक करके पैदा हो रहे होते हैं हर दो दो मिनट पे। एक ये गया। ओके तो हम यहाँ पर जनरेटर के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, जस्ट हमें थोड़ा सा स्टे एक्टिव। ओके तो भाई हम यहाँ पर मिशन एंड पे पहुँच गए हैं, मिशन बहुत ही कम बचा है यहाँ पर। यार मैं पहले सोचा करता था मैं यहाँ पर ना फीलिंग बॉम्ब लगाऊंगा, फुल तैयारी करूंगा, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचता था तो बंदों से लड़ने से फुर्सत ही नहीं होती थी और हेल्थ यहाँ पर 1% पर 2% पर एक ही मार देती थी। अभी एक आने वाली है, ये आ गई एक, एक दो तीन गोली में एक गई भाई यहाँ पर, एक को देखते साथ शूट किया है मैं हमने। अच्छा अभी हमारे बंदे भी आने वाले हैं, आनिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि बॉम्ब वो डिफ्यूज़ करेगी, और वो गया भाई, क्या ही शॉट मारा यार इतनी दूर से। इस शॉट पर अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, वैसे ही मेरी रिटेंशन पता नहीं क्यों गिर गई यार, अच्छे खासे मेरे व्यूज़ आया करते थे लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट यार एकदम से मेरे व्यूज़ रुक गए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर वीडियोस बनाना स्टॉप नहीं करूँगा, मेरा यहाँ पर मैं बहुत लंबे टाइम के लिए आया हूँ और मैं वीडियोस अपनी बनाता रहूँगा। और यहाँ पर मिशन हमारा एंड हो चुका है, मेडिक भरा पड़ा है, टेंशन नहीं है अगर कोई सीन हो जाएगा। अच्छा हमें आनिया को प्रोटेक्ट करना है भाई, आनिया को कोई गोली वोली नहीं मार दे, सीन ये करना है। आनिया अभी तक आई नहीं है यार, कहाँ है मुझे नज़र नहीं आ रही।
अच्छा आ गई यार, ये लगी हुई है, काम पे लगी हुई है लड़की, काम पे लगी हुई है। ओके गुड। अच्छा एक दो बार मैंने ऐसा भी किया है कि मैंने ना शूट कर दिया फुल तफरी में, देखूं क्या होता है, बम को शूट किया भाई, बम ही फट गया, मिशन फेल हो गया। अच्छा हमारे फ्रेंडली सोल्जर्स आ गए, कहाँ हैं फ्रेंडली सोल्जर्स भाई, मुझे नज़र नहीं आ रहे यार हमारे बंदे। ओके आए करता रहे भाई तू यहाँ पर, एक एक करके बंदे आएंगे जाएंगे, 9 गोलियाँ बची। अच्छा हाँ गए शायद हमारे फ्रेंडली सोल्जर्स वो रहे, ये देखो ये रहे बंदे हमारे, हम यहाँ पर ऐसे देखेंगे ना तो ग्रीन ग्रीन आएगा इन पर भाई, गॉड वाला मिशन याद आ जाएगा, शुरुआत हमारी। ऐसे लेटने का फ़ायदा, लेटने के लिए कवर चाहिए होता है अंकल। अच्छा तो यहाँ पर एक और बंदा आ गया, जस्ट मिशन एंड पर है। तो गाइस ये थी हमारी प्रोजेक्ट IGI, इसकी हम फुल मूवी लेकर आने वाले हैं बहुत ही जल्द, फिर नई स्टोरी लाइन हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे एक और गेम प्ले की। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, लव यू ऑल, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।